बंदा है, ये दिखना नहीं चाह रहा। चलिए चालू है, दोनों पार्टी की न्यूज लगाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANC इंडिया और मैं हूँ रूप सिंह गोसाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS न्यूज 48 दिल्ली और मैं हूँ रूप सिंह गोसाई। दोस्तों, अभी जो हरियाणा में जो चुनाव का रिजल्ट आया है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है, हालांकि कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं है, 1 लाख करीब वोट का हेर फेर है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 39.9% वोट मिले, वहीं कांग्रेस पार्टी को 39.01 पॉइंट ऐसे कुछ उनको जो है वोट प्रतिशत मिला है। और उसके बावजूद जहां भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 37 सीटें है ना। तो इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय जैन हैं। तो ये जहां अब तक जो है मतलब चुनाव रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले तक बड़े बड़े चैनल्स दिखा रहे थे कि जो है कांग्रेस वहां भारी बहुमत से जीत रही है, सरकार बनती दिख रही है, तो ये क्या कुछ हुआ जो क्या, तो आप इस पे क्या समझते हैं कि मतलब क्या हुआ होगा, कैसे मतलब जो पिछली रात तक जो है कांग्रेस का दिखा रहे थे तो अचानक से जो है BJP, जबकि इस बारी जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम वीडियोज आए बहुत बहिष्कार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी चुनावी सभाएं थी वहाँ लोगों ने हंगामा भी किया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं पूरे जो अभी हमारा देश की जो स्थिति रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर और BJP का जो परफॉर्मेंस रहा है, तो वो सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी, और इनफैक्ट बीच में ऐसे कुछ हो गया था कि काफ़ी कांग्रेस के लोग और दूसरी पार्टी के लोग BJP में शिफ्ट हुए हैं। तो एक हरियाणा का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पे आप देखते रहेंगे, मान लो कोई भी पार्टी रहेगी तो 2-3 साल के बाद अगर कोई इलेक्शन होते हैं जो 5वें साल में भी हो रहे हैं, तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके वायदे और उनके वो थोड़े से लोगों के होता है कि ये लोग ने अपने नींद निभाए, तो हर ऐसे कुछ स्टेट्स में राजस्थान में भी होता है। बट जब से BJP आई है तो मैं हासी गया था हरियाणा में रोहतक के आगे, रोहतक का भी मैं बताना चाहूँगा कि रोहतक ने सिर्फ शायद 2 वोट से जो BJP के प्रत्याशी हार गए, ग्रोवर साहब। अच्छा, तो वो बहुत बड़ा टफ कंटेस्ट था और अलग अलग कुरुक्षेत्र की बात करेंगे वहाँ अलग वो था, और एक वो होता है पोलराइजेशन ऑफ वोट्स होता है, एक डिविजन है जाट, जैसे हुडा जी भूपेंद्र हुडा जी पे लोग बोल रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, भूपेंद्र हुडा जी बनेंगे, कुमारी शैलजा बनेंगी, तो सबकी अपनी एक वो फॉलोइंग थी। और एंड ऑफ द वेव डे में क्योंकि कहीं ना कहीं सट्टे बाजार में BJP के 32 का भाव था और उनका 52 का था, 52 का था, तो सबको था उम्मीद थी। लेकिन हाँसी में जब मैं गया था 10-11 दिन पहले, तो जो BJP कैंडिडेट ने अपने हाथ में बैंड पहना हुआ था BJP का, और जिसके पेट्रोल पंप पे हम बैठे थे वो कांग्रेसी लोग थे। अच्छा, और वो और उनके बेटे की जो प्रत्याशी की उनकी गाड़ियों पे फोटो थी, उन्होंने कहा कि हमने 40-50 लाख रुपए खर्च करे हैं इस इलेक्शन पे, उनका था सट्टा बाजार देख लो ये है कांग्रेस आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो भारत का वोटर है वो जो नेशनल परफॉर्मेंस है अंडर मोदी, जो मोदी की स्कीम्स है, और कांग्रेस के टाइम में लोगों ने देखा है कि जो प्रॉमिसेस थी वो आगे चल के नहीं, मतलब उसको लोगों ने निभाया नहीं है नेताओं ने, हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको इस मतलब उनको जो विश्वास वो साफ दिखता है कि उनको कमल पे भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा विश्वास रहा है। तो चाहे वो पब्लिकली ओपिनियन पोल में ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ओपिनियन पोल वो बेसिक जो जनता होती है इंटीरियर में जाकर तो करते नहीं है, वो TV में कहीं पे बैठ के कर लेते हैं, उसमें वो एक वो सही सर्वे नहीं कर पाते। तो जैसे कि हमारे देश का जो हरियाणा में जो किसान है, कृषि पंजाब हो गया हरियाणा में, जो हम कहते हैं कि हम खेती पर निर्भर है, किसान हमारे देश का अन्नदाता है, तो किसानों ने बड़ा विरोध किया था उसके बावजूद भी। हाँ, वही सबसे बड़ी चीज़ वही है कि मतलब किसान बैठ गए थे पंजाब में
और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भाई वो अपना मुख्यमंत्री पद दिल्ली में छोड़ दिया, उन्होंने आतिशी को बुलाया और वो महम में गए थे। महम की रैली मैंने देखी और महम की रैली में जितने भी लोग थे पूरा गांव उमड़ के आ रखा था लाखों की संख्या में और वहां पे तो टोटल ये बन गया था कि केजरीवाल इज कमिंग। आपका झंडा लहरा रहा है, आप बताया कि भाई मैं जेल गया हूँ तो आप इसका बदला लेंगे और बदला नहीं, मतलब उसका था कि मैं आपको बिजली इतनी फ्री कर दूंगा, मैं एजुकेशन फ्री कर दूंगा, दिल्ली में मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, मेरे स्कूल जो हैं वो ऐसे इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो हरियाणा में सब कुछ कर दूंगा। तो वो जो जनता का जो उस समय जो क्राउड था उसमें क्लियर था कि आप आ रही है और ये बीजेपी और कांग्रेस है दोनों को झटका होगा। लेकिन एक और एक तरफ लोगों का कहना था, दिल्ली में मेरी कुछ राजनीतिक लोगों से बात हुई मीडिया वालों से, तो उनका कहना था कि केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट से जो केजरीवाल भाई छुटे हैं तो वो पोलराइजेशन मतलब बोलेंगे करवाया गया है बीजेपी की तरफ से, सो दैट उनकी वोट वहां पे, लेकिन आपका ज्यादा वो नहीं है। अच्छा चलिए, जैसे अभी हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी जो है अपना आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया, वहाँ एक सीट मिली। आइए आगे आइए आगे, हेलो आगे आ जाइए। चलिए एक सवाल और करते हैं कि जैसे अभी हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हुआ, वहाँ पे जैसे मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं मोदी जी का जो सरकार, वहाँ पे जो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब है उनके बेटे जो भी मतलब एक जो कांग्रेस की पार्टी का खाता भी खुल गया, आर्टिकल 370 का जो हुआ पूरे भारत में उसकी चर्चा भी, 370 रटने से लोगों को फायदा हुआ है। वहाँ की जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए, और वो लोग अपना दिखाते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, क्योंकि जो हमारी नेबरिंग स्टेट है वो पाकिस्तान।